हाँ तो आप लोग बता दूँ, एक नई संदेश खुशखबरी जिसको बोलते, बड़ी परेशान थे आप लोग। सर चैप्टर कब समाप्त होगा? आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और आप जानना चाहोगे कि लास्ट टॉपिक है क्या चीज़ है ना? ये है संयोजन की दर कैसे ज्ञात करोगे। संयोजन अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात करोगे, समझ में आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें क्या करनी है, माफ करना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम लोग क्या करनी है, आज कैलकुलेट करनी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेरे पास हैं जो आप लोगों को कैलकुलेट कराऊंगा, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस लेक्चर के बाद वाली आने वाली लेक्चर में बात करूंगा। लेकिन आज का टॉपिक तो बता दूं, अरे यार मैंने कहा था आप लोगों से परेशान मत होना, मैं हूँ, पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। अरे लॉकडाउन का लाभ उठाओ, लॉकडाउन का लाभ उठाओ। यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रहा है, जहां यानी कहने का मतलब गंगा बह रही है, ठीक है, बस उसमें डुबकी लगाकर पवित्र बनना है, समझ में आया? पवित्र हो लो और अपने माता पिता के नाम रोशन कर लो, यही तो अवसर है तुम्हारा। क्योंकि इस लॉकडाउन में लोग बहुत कम ही स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, आप कर सकते हो बेहतर, कर सकते हो, बिल्कुल मेहनत करो मेरे साथ। देखो इतने स्लो सिलेबस को आराम से लेकर चला हूँ कि अगर चाह जाते आप लोग तो पूरी आप लोग मेमोराइज करके और कहते कि सर अपना ले लो। मैं ये जानता हूँ कि गुरु का कर्ज कोई लौटा नहीं सकता, चुका नहीं सकता। मैं भी अपने गुरु से बोलता हूँ कि मैं आपके कर्ज को कभी नहीं चुका सकता सर, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि माफ़ करना, कह सकते हैं पॉसिबल यानी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, असंभव कार्य है जो अपने गुरु को कर्ज को कोई चुका दे। हाँ चुकाने का तरीका है मुन्ना, है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम लोगों ने क्या करते, बेहतर अंक लाते हो ना, तो गुरु प्रसन्न होकर कहता है कि तूने मेरी सारी कर्ज को चुका दिया, यही आपसे चाहता हूँ, यही आपसे चाहता हूँ, आपसे यही मेरा उद्देश्य है। और क्या मैं धन संपत्ति आप लोगों से मांग रहा हूँ? नहीं मुन्ना, मुझे नहीं चाहिए। पढ़ते रहो, मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, परेशान मत होना, परेशानी का इलाज मेरे पास है, बस इलाज है क्या चीज़, उस इलाज के समाधान का मैं समाधान बताऊंगा। बट आप लोग बस इतना ही करो ना कि मेरे हर लेक्चर वीडियो को आप लोग देखो और याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद करते जाओ, फिर देखना कौन रोकेगा तुम्हें, रिजल्ट से कौन रोकने वाला है, आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और हर किसी के पास वो ऊर्जाएं होती है, तुम्हारे पास भी वो ऊर्जा है, जैसे मेरे पास ऊर्जा है, मैं जज्बे के साथ आता हूं, तुम्हारे हर टॉपिक को डील करके तुम्हारे पास पहुंचा देता हूं, वैसे ही आप लोग के पास भी ऊर्जा के वो बड़ी सोर्स है जो आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो, बट करने को मन नहीं करता। लगन हुलास रखो, करो मेहनत, दिखा दो अपनी ताकत दुनिया को, मैं क्या हूं, ये तुम प्रश्न कर रहे हो, दुनिया तुमसे प्रश्न करेगी, कैसे तुमने किया मेरे भाई इतना बेहतर। तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे माता पिता और मैं गर्व करूंगा, और मेरे बाद तुम्हारे जो भी लोग होते, जो भी तुम्हारे बारे में सुनेंगे, वो ऑलरेडी तुम है, तुम पर भी गर्व करेंगे। तो उस गौरव को, उस गौरवपूर्ण अवसर को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, उसके ओर मूव करो, मैं यही कहूंगा, मूव करो, मेहनत करो, केवल मेहनत, मेहनत से ही मंजिल तो आसान होती है। लगातार बढ़ते रहो,
रुकना नहीं मुन्ना, रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप बन जाओ, नहीं रुकना है तब तक जब तक कि तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती है। तुम्हें तब तक अग्रसर रहना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा। दौड़ रहे हो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, थक भी जाते हो तभी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, दूरियां कम होती जाएगी, मंजिल के करीब चले जाओगे। तो मैं ऐसा कहता हूं आप लोगों को, क्या आप लोग मेहनत करो। चलो बहुत बोल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों को अनुचित भी लग सकता, बट मैं बेहतर चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया है, तब मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के आज लेक्चर दे करके वीडियो को आप लोगों के माध्यम मैं अपने माध्यम से आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए बातें करते टॉपिक पे, क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे। संयोजन संयोजन अभिक्रिया क्या है तथा तथा संयोजन की दर ज्ञात करें। मतलब अल्फा निकलना है, ठीक है, लिख देता हूँ डायरेक्टली। पहले ये बात को मैं उत्तर नहीं लिखूंगा, रुक जाइए, पहले समझाना चाहता हूँ। संयोजन का सबसे अच्छा उदाहरण मुना दिया था, क्या दिया था बताएं? क्रिकेट देखा होगा, कबड्डी देखा होगा, भारत पाकिस्तान की मैच होती है तो फील्ड में देखते हो, मैदान में जैसे मान लो ईडन गार्डन की बात करता हूं, खचाखच भर जाता है फील्ड। कैसे भरता है स्टेडियम ये बताओ, स्टेडियम कैसे भरता है ये बताओ ना मेरे को, कैसे भरता है? एक एक व्यक्ति संयोजित होते हैं, एक एक व्यक्ति यानी भारत के कोने कोने से आकर के उसमें एकत्रित होते हैं, तो एक समूह बन जाता है इकट्ठे, एक समूह उसी को उस स्टेडियम में हो जाते हैं, ये संयोजन कहलाता मुन्ना। संयोजन का मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे आयन जुट कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण कर दे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हो। समझ में आ रहा है? यानी एक या एक से अधिक छोटे छोटे अणु परमाणु या आयन संयुक्त होकर संयोग होकर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, उसी को बोलते हो संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हो? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? लेकिन एग्जाम्पल तो दिखाएं सर, एग्जाम्पल दिखाओ तो समझाओ। अरे ऑफकोर्स यार, क्यों ना समझाऊंगा। देखो यहां कहने का मतलब ये है, कैसे देखते जाना, जैसे मान लो ए थ्री संयोजित होकर के ये चल गया ए थ्री, ऐसे ये परमाणु के रूप में अणु, तोड़ देता हूं वेट करो ना। देखो ए गो ए प्लस ए कन्वर्ट विल बी किस में गया बताओ, इसी को बोलते हो। ये क्या है? ये जब इधर आएंगे एक एक अणु या परमाणु, मान लो परमाणु मानोगे तो परमाणु मानो, तो एक एक परमाणु संयोजित हुआ तो क्या बना दिया ये, यानी ए थ्री के एगो अणु। देखो यहाँ ए थ्री कोई ऐसा यानी अणु है ना, जिसको देखो जैसे आओ ना एग्जाम्पल लेता हूँ आसान, एगो ऑक्सीजन प्लस एगो ऑक्सीजन। देखो कितने ऑक्सीजन हो गए मुन्ना, कितने परमाणु ऑक्सीजन के, तीन हैं, और जब ये संयोजित होते हैं तो क्या बनाते हैं ओ थ्री, जिसका नाम है ओजोन। ओजोन सड़ी हुई मछली के समान गंध देता है, समझ में आया? तो देखो क्या हुआ, यानी परमाणु जब तीन परमाणु संयुक्त हुआ तो अणु का निर्माण किया। आओ ना एक देखो और, पी
प्लस पी प्लस पी प्लस पी, जब पी के चार गो परमाणु आपस में मिलेगा तो पी फोर का निर्माण एक आणविक अवस्था दे देगा। मेरे बात को समझ रहे होंगे आप लोग ना? तो एक बात है मुन्ना, ध्यान रखना, मैं ये चीज बताने जो जा रहा हूँ ये बात को ध्यान पूर्वक सुनना मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब एक शॉर्ट फॉर्म यही, तो देखो तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा, और इन सबों का भी शॉर्ट फॉर्म समझा देता हूँ। घबराना मत, बिल्कुल परेशान मत होना एकदम, ठीक है, दिल को मना कर रखना, ठीक है, मत रो मेरे दिल, सुना है ना गाना, तो याद रख मुन्ना, मना के रखना दिल को। तो देखो, तो ये बताओ ये कितना मोल मैंने लिया मुन्ना, 1 मोल, ओके, ये कितना है? अभी तो एसोसिएट नहीं हो रहा, जूटा नहीं है, प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्था में जूटता नहीं है, तो उस स्थिति में ये 0 मोल होएगा। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद संयोजन होने की काम चालू हो गई, प्रक्रिया चालू हो गई, समझ में आ गया क्या हो गया, संयोजन होने की प्रक्रिया चालू हो गई, ठीक है। जैसे स्टेडियम में एक फिक्स टाइम होता है कि इतना बजे से एंट्री होएगा, हैं? तो बताओ, मान लो कि जब मैच है, मान लो कितने बजे, अगर मान लो कि तुम्हारा 2:30 बजे से मैच चालू है, तो एंट्री मान लो 12 बजे, 12 बजे से पहले क्या व्यक्ति उसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो वही बात है, इतने व्यक्तियों का टिकट मिला है, ठीक है, इतने व्यक्तियों का टिकट मिला है, 1 मोल व्यक्तियों का टिकट मिला है, लेकिन अभी एंट्री नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। जब ही 12 बज रहा है तो एक एक व्यक्ति इसमें घुसना चालू, तो अल्फा के दर से इकट्ठा होने लगे, तो अल्फा के दर से इधर से क्या होंगे, घटेंगे। तो ये हो गया अल्फा मोल, और ये भी हो गया अल्फा मोल। एक बात बताना चाहूँगा, जरा याद कर लेना मुन्ना, जब तूने एक काम किया था, याद रखना कैसे, ये मेरे बात को सुनना, मैं क्या बताया था, जैसे यहाँ A3 था, और जब ये टूट रहा था तो ऐसे हो रहा था, तो तूने कितना लिख रहा था, अल्फा, ये कितना लिख रहा था, 1 माइनस अल्फा, टूटने के बाद कितना मोल, 3 मोल, गुणा करा था, तो इसका मतलब होता है गुणज, लेकिन इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब क्या होता है, भाग, याद रख लेना। फिर से मान लो, एक बात बोलता मुन्ना, फिर से एक बार मान लो कि S8 जब टूटेगा तो कितने 8 गो S का निर्माण करेगा, ठीक है, तो ये कितना, मान लो 1 मोल ये बताए थे, याद कर ले, तो ये कितना था, 0 था, ये अल्फा मोल से टूटा तो ये 1 माइनस अल्फा हुआ, लेकिन कितना मोल, 1 मोल, ये कितना मोल दिखाई दे रहा, 8 से गुणा किया था, ठीक। अब यही बात अब ऐसे करें, तो जब ये देखो गुणा में है, तो गुणा में रखा हूँ, और यहाँ जब आएगा ये 8, तो ये भाग में हो जाएगा मुन्ना, तो तुम भाग में रखना। तो यही चीज़ बताओ, ये गुणा में है कि भाग में, बताओ ना, ये गुणा में है कि भाग में मुन्ना। जब ये आणविक अवस्था में, देखो ध्यान रखना, किसी भी सूत्र के बाई ओर अंक होता है यदि प्रतिफल में, देखो जैसे किसी भी रिएक्शन के दाई और देखो अगर गुणज में कोई अंक है तो वो गुणा में होता है। यदि किसी भी अणु परमाणु संयुक्त होकर अणु में जब जाएगा तो इसके पक्का है दाई और अंक होता है, तो उसका मतलब होता है बट्टा, उसका मतलब होता है फ्रैक्शन बट्टा, ठीक है, क्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की बात करेगा, वहाँ बट्टा की बात करेगा। तो देखो अल्फा था 1 के लिए अल्फा, लेकिन कितने हैं, तो 3 हैं, तो 2 3, तो अब बताओ आई बराबर क्या सूत्र कहता है, संयोजन से पहले कुल मोलों की संख्या, नहीं, संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, तो 1 माइनस अल्फा, अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस इतना अल्फा, अब बटा कितना, संयोजन से पहले तो 1 है, हमेशा 1 रहेगा, याद रख लेना। तो आई बराबर तुम्हें मिल गया 1 माइनस, लघुतम काट लो इसके लिए खाली, अल्फा अल्फा को, ठीक है, अल्फा अल्फा को, 1 को छोड़ दो, अल्फा अल्फा वाले को, तो देखो 1 3 का लघुतम 3, 1 से 3 में भाग देगा 3, 3 से गुणा हुआ, तो 3 अल्फा प्लस अल्फा
अब आया थ्री, इसके बटा मत करना, याद रखना ठीक है। तो I बराबर हो गया 1-2 अल्फा बाया थ्री, यही तुम्हारा उत्तर हो गया मुन्ना। पर देखो तो मान लो कि यहाँ पे बात करें आप लोगों से, सल्फर के 8 अणु संयोजित हो रहा है और संयोजित होकर S8 का फॉर्मेशन किया, तो इसका 1 मोल मैं लेकर चला मुन्ना, तो यहाँ 0 मोल बना प्रारंभ में, स्टार्ट में ठीक है। लेकिन यानी टी समय के बाद जब एसोसिएशन होने लगा तो ये अल्फा मोल बना, तो कितना घटा बताओ, 1- अल्फा मोल घटा। लेकिन बताओ तो ये कितने अणु हैं, यहाँ देख संख्या, दाहिने साइड जो संख्या होगा वो फ्रैक्शन हो जाता है, क्लियर हुआ। तो हो गया आई बराबर, यानी संयोजन के बाद और बटा में संयोजन के पहले, संयोजन के बाद कितना है, 1- अल्फा प्लस अल्फा बाई 8 अब आया 1। आई बराबर लघुतम काटोगे यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1-8 अल्फा प्लस अल्फा बाया 8 हो जाएगा। आई बराबर हो गया कितना, 1-7 अल्फा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, बिना समझाए तो लिखवाएंगे नहीं, मेरा बस एक ही मत रहता है कि हर किसी को समझ में आए, ताकि दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो, ये मेरा सोच है बस। यहां देखिए क्या होता है, एक चीज मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आए, क्लियर, देखते जाइए क्या चीज है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये है एसेटिक एसिड है ठीक है, और एसेटिक एसिड को बेंजीन में अगर डाल दिया जाए, किस में डालने की बात करें, बेंजीन में, अगर बेंजीन में आप डिजोल्व कर देते हो तो ये डाइमेराइजेशन करता है। डाइमेराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक जो है वो दो अणु में कन्वर्ट हो जाता है ठीक ना, दो अणु में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब अब देखो क्या होता, ध्यान रखना, इसका मीन होता है मुन्ना, देखो क्या, देखो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अगर ए यहाँ देखना ध्यान से एक बात सुन लो, ये अगर इतना है, अगर ए टू में जा रहा है तो इसका मतलब है 1/2, अगर यहाँ देखो ए थ्री है, अगर यहाँ अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब 1/3 है ना। अगर मान लो अगर ये बात करें, अगर 4 में है, अगर यही चीज़ कोई सूत्र है, मान ले Na2SO4 अगर है, इसका होल ट्वाइस आया, इसका मतलब 1/2। तो अब देखो, अगर अल्फा के दर से होता है तो अल्फा बाई 3, अल्फा के दर से तो अल्फा बाई टू, क्लियर हो गया। तो यही चीज़ मैं बताने जो जा रहा था, ये देखो कैसे बता रहा हूँ इसमें, तब थ्योरी को समझ करके बस लिखवा देंगे, फटाफट देखते जाना थोड़ा सा ठीक है। देखो तो देखो कैसे, ये अगर प्रारंभ में बात करें, संयोजन से पहले मोल की संख्या अगर उसका 1 है तो ये पक्का 0 मोल होगा। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, जब ही बेंजीन में डाले तो संयोजित होना प्रारंभ हो गया, तो डाइमेराइजेशन बनाने लगा, डाइमर का मतलब दो गो मॉलिक्यूल ठीक है। तो यहाँ ऐसा डाइमेराइजेशन बनाने लगा जब 100% विलीन होने के बाद, मतलब कि 100% यानी सोलवेंट की बात करेंगे, सोलवेंट होगा तब बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा, तो अब बताओ अल्फा के दर से ये अणु डाइमेराइजेशन बना रहा है, तो ये कितना बचा, 1- अल्फा मोल। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा था कि यहाँ जो रहता है, यहाँ क्या होता है, बटा भिन्न होता है, अगर 2 है तो 2, अगर 3 होता तो बटा 3, अगर 4 होता तो 4, अगर यहाँ n होता तो बटा n ठीक है। अब देखो यहाँ i अगर निकालना चाहें तो संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, तो संयोजन के बाद हाई वाला है पूरा, ये और ये पूरा संयोजन के बाद मोल की संख्या है। अब बटा में संयोजन से पहले तो 0, 1+0 बराबर 1 होगा ठीक है। तो संयोजन के बाद कितना है आपका बताओ, 1- अल्फा प्लस कितना बताओ, अल्फा बाय 2 है, कुल मोल है कि नहीं बोलो ना, कुल मोल है। अब बटा में कितना बताओ, 1 मोल ठीक है, तो मोल मोल क्या हो गया, कैंसिल हटा लो ठीक है। तो आई बराबर कितना हो गया देखो तो, 1- अल्फा ठीक है प्लस अल्फा बाय 2, तो लसा काट लो, लसा काटोगे इसका तो 1 होगा, खाली इसका दोनों का लेना, टोटल को मत लेना ध्यान रखना। तो आई बराबर जब लिए तो देखो 1 से भाग दे, 2 से गुणा करेंगे तो 1-2 अल्फा है ना, अब प्लस क्या हो गया अल्फा, जितना के लघुतम में है उतना ही का रखना 2 ठीक है।
अब आई बराबर तुम्हारा मिल गया 1 - α/2, यानी ये बता रहा है कि आई के मान 1 से कम होगा, क्योंकि अल्फा का कुछ मान होगा। अगर 100% डिसोसिएशन हुआ है तो पक्का अल्फा का मान 1 होगा। ये कहेगा कि बेंजीन में 100% संयोजन हो रहा है, माफ करना, क्या चीज कि यानी एसेटिक अम्ल का बेंजीन के साथ क्या हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो अल्फा के मान जहां 100% लगा है तो अल्फा का मान कितना होगा, 1। तो देखो अल्फा के मान जब 1 यहां रखोगे मुन्ना तो 1/2 ये हो जाएगा, है तो कटेगा तो कितना, 1 से कम 0.5 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा। चलो इसको मिटाता हूँ, अब चलता हूँ अब आप लोग थ्योरी की ओर, ठीक है। देखिए अब मेरे बातों को सुनना ध्यानपूर्वक, बहुत बहुत इजी वे में। देखो मुन्ना, ये देखो ए, अगर 3A को हम कन्वर्ट करें कि कितने में गया अणु के रूप में, तो ए 3 अणु बना। तो आप लोगों ने लिखा 1 मोल सर, 0 मोल कब, प्रारंभ में, हैं। तब अब देखो यानी संयोजन के बाद संयोजन किस दर से हो रहा है, तो मान लेते हैं अल्फा दर से, तो बचा कितना, 1 - α, हैं। अब देखना कितना अणु है, 3 गुना, तो इसका मतलब क्या होता है, भाग, तो 3, ये कितना रह जाएगा अल्फा, ये कितना मोल हो गया, हैं। अब आई निकालोगे तो क्या करोगे, 1 - α + α/3। रुक जाओ, मैं क्या समझाना जा रहा हूँ, यानी एन ए अणु संयोजित होकर ये जा रहा है ए एन अणु में। ये अणु है, ये छोटा छोटे छोटे अणु एक बड़े एवं बृहद अणु में जा रहा है। रुक जाओ, प्रारंभिक मोल की संख्या 1 मोल और इसका कितना, 0 मोल है, ठीक ना। अब देखना अब क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अल्फा दर से संयोजित हो रहा है, तो ये अल्फा दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। अल्फा दर से ये बढ़ रहा है तो अल्फा दर से ये घट रहा है, ठीक है। तो अब देखना, जब यहां 3 था तो यहां आया बटा में अणु के रूप में ट्राइमर बनाया, तो यहां एन था तो एन में अणु बनाया। अब देखो जब यहां अल्फा के दर से ये बनना प्रारंभ हुआ तो टोटल अल्फा बटा 3 हुआ, अल्फा मैंने दर से बनाया तो देखा कि 3 अणु है, 3 से भाग दिया। तो यहां देखो अल्फा की दर से ए भी बन रहा है लेकिन यहां कितना भाग में है, एन है, तो मैं क्या करूंगा, एन से भाग दिया। क्लियर हो गया, एन से भाग दिया। अब देखो आई बराबर, तो आई बराबर हो गया संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बटा में संयोजन से पहले मोलों की संख्या। तो संयोजन से पहले कितना मिला, 1 मोल, आइए इतना मोल हो गया गोल, ठीक है। अब देखो आई बराबर हो गया यानी इतना माइनस इतना, ठीक है, और प्लस अल्फा बया एन। ऐसा करता हूँ कि आई बराबर एक काम, माइनस अल्फा मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो 1 के 1 रख देता हूँ, तो प्लस साइन इसके पहले इससे मतलब नहीं है। अब अल्फा कॉमन लिया, जब यहाँ से अल्फा को हटा दोगे तो कितना आएगा, 1, और माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस के साथ तो प्लस माइनस माइनस, तो बच गया ऊपर में 1 क्योंकि अल्फा को हटा लिए। अब फिर क्या हो गया, एन। अगर आप लोग को संदेह है तो मैं दिखाने का भी कोशिश करता हूं, प्रयत्न कर लेता हूं। देखो गुणा करो, माइनस अल्फा से गुणा करेंगे माइनस अल्फा, अब फिर माइनस अल्फा से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 यानी अल्फा बाई एन। ये पूरे पार्ट को, इतने पार्ट को इस पर ला रहा हूं, आई को उधर ले जा रहा हूं। देखिएगा ये माइनस में है तो अब आएगा तो इधर प्लस हो गया, तो प्लस 1 - 1/n बराबर होगा, पहले से 1 उपस्थित है बट आई इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब देखो तो अल्फा बराबर क्या हो गया, आई इतना यानी 1 - i/1 - इतना / कितना n। यही है आपका क्या चीज, IIT में प्रश्न पूछ भी चुका है, याद रखना, ठीक है। यही है संयोजन, लिखवाना प्रारंभ करूं, ओके। बिल्कुल सही बातें आप लोगों ने भी बोला, चलो समझ गए होंगे अच्छी तरह से, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह समझा दिया मुन्ना, तोड़ तोड़ करके एकदम बिल्कुल बुक से भी काफी सरल मैं बनाकर आप लोगों को दिया हूं, ठीक है। चलिए लिखना प्रारंभ करें, चले ना, लिखिए।
उत्तर मैं यहाँ चालू करता हूँ। वैसे अभिक्रिया जिस समय किसी विलेय पदार्थ के एक या एक से अधिक 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 छोटे छोटे अणु, अणु मतलब अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता, अणु ये लेते हैं, अणु संयोजित होकर होकर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं, कौमा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। माना कि किसी बिल्ले पदार्थ के एन ए छोटे छोटे अणु संयोजित होकर एक बड़े अणु एन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ आप लिखना जा रहा हूँ, देखिए यानी कि यहाँ क्या है, ये देखिएगा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। एन ए संयोजित हो रहा है और ए एन अणु बना रहा है, ठीक। तो यहाँ लिख रहा हूँ संयोजन से पहले विलेय के मोलों की संख्या एक मोल, तो ये कितना, जीरो मोल। संयोजन के बाद विलेय के मोलों की संख्या बराबर। अब देखो यहाँ अल्फा दर से टूट रहा है, अल्फा मोल, तो यहाँ घटेगा इतना के दर से। बट याद रखना कितने एन अणु में संयोजित बाया एन, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, स्क्रीनशॉट लो ताकि मिटाकर मैं ऊपर लिख सकूँ, ठीक है। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत, चलिए मिटाता हूँ ऊपर से क्वेश्चन सहित। हाँ तो देखिएगा जरा, देखिए अब ऐसा करते हैं, वहां से उठाते हैं, क्या चीज लिखते हैं, संयोजन से पहले विलेय के कुल मोलों की
मोलों की संख्या, वन मोल अब प्लस जीरो मोल बराबर कितना मोल बता सकते हैं? जी हाँ, वन मोल सर। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर संयोजन, संयोजन लिखा हूं याद रखेंगे, क्या लिखा हूं? संयोजन, संयोजन के बाद, संयोजन के बाद विलय के कुल मोलों की संख्या बराबर लिखें कितना बोलो? तो 1 माइनस अल्फा मोल मोल अब प्लस हो जाएगा कितना? अल्फा बटा एन मोल, जोड़ लो बराबर मिलेगा आप लोग कितना? तो यहां मिल गया आप लोग को, बराबर ले लेता हूं, सामने ले लेता हूं, 1 इतना अल्फा प्लस अल्फा बाया एन मोल। कोई दिक्कत? सूत्र क्या बोलता है? अब वन ठोक गुणक से है ना, वांट हॉफ गुणक से आई बराबर होता है संयोजन, संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटा में संयोजन से पहले, संयोजन से पहले कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो देखते जाइएगा, नीचे बिठा देता हूँ। हो गया काम हम लोगों का, देखते जाइए क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उस पार्ट का। अब आइए देखिए, तो आई बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस कितना? अल्फा बाया एन, अब बटा में कितना? होल ये मोल और ये भी है मोल, तो मोल मुना हो गया गोल। आई बराबर मेरे को मिल गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाया एन। ठीक है, मैं माइनस अल्फा को कमन कर लेता हूँ, क्या करता हूँ? माइनस अल्फा को कमन करता हूँ, जरा देखें ध्यान से। तो आई बराबर मेरे को मिल गया क्या? 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 बटा एन, मैं दिखा दिया हूँ सोल्व करके। अब पूरे पार्ट को इधर ला रहा हूँ उठा करके, इतने पार्ट को उठा कर ला रहा हूँ इधर। ठीक है, तो पूरा पार्ट ये माइनस में है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट माइनस में, इधर प्लस में आएगा, तो हो जाएगा कितना? तो अल्फा 1 माइनस इतना, और देखिए ये प्लस में है, उधर मैं ले जा रहा हूँ तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन पहले से 1 उपस्थित है प्लस में ऑलरेडी, देखिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस में ऑलरेडी उपस्थित है, तो 1 माइनस हो गया आई। ठीक, अब ले चलिए, इसलिए अल्फा बराबर हो गया 1 माइनस आई बटा में 1 बटा में एन। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? समझ गए क्लियर कि नहीं? बोलिए समझ में आ गया है? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, उतारिए।